हेलो माय सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टीनेज के जो बच्चे होते हैं उनमें मोटापे को कैसे कम किया जा सकता है, क्या क्या कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको हम काम में ले सकते हैं और किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करते हैं कि टीनेज में बच्चों में जो मोटापे का कारण है वो क्या है। तो वैसे तो बच्चों में जो नॉर्मली मोटापे के क्या क्या कारण है मैं उस पर वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन अभी जो हम बात करेंगे टीनेज की, तो टीनेज में क्या होता है कि बच्चों में एक तो वैसे भी हार्मोनल चेंज होते हैं और इसमें भी क्या होता है कि बच्चे जब स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो उनमें ना हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो ज़्यादा खाने की इच्छा होती है, ये एक कारण हो सकता है। और अगर बच्चे अपनी नींद को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, आधी रात तक गेम में, कंप्यूटर में, मोबाइल में लगे रहते हैं, तब भी उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चे की बॉडी को डिटॉक्स होने का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है, तो फिर बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनने लग जाते हैं, तो इस वजह से भी बच्चे में मोटापे की समस्या आ सकती है। तीसरा जो कारण है वो यह है कि आनुवांशिक, अगर बच्चे के मम्मी पापा मोटे हैं या कोई एक मोटा है तो वो जीन बच्चे में ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो हो सकता है कि बच्चा भी मोटापे का शिकार हो जाए। और सबसे लास्ट कारण है कि अगर बच्चा कभी सीरियस बीमारी से ग्रसित था या बच्चे को कभी कोई सीरियस बीमारी हुई थी और उसका लंबा ट्रीटमेंट चला था, तो कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट बच्चे में मोटापे के रूप में देख सकते हैं। तो ये कुछ मेजर सिम्टम है, मेजर ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से टीनेज के जो बच्चे होते हैं उनमें मोटापा आता है। और वैसे मोटापे के कारण बच्चों में हेल्थ डिजीज़ काफ़ी बढ़ जाती है, जैसे फैटी लीवर हो जाना, बच्चों में डायबिटीज़ का हो जाना, और गर्ल्स में PCOD की प्रॉब्लम्स का आ जाना, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना, बच्चों में हाइपरटेंशन का होना, हाई BP का होना, या फिर स्किन से रिलेटेड किसी तरह की डिजीज़ का हो जाना, या बहुत जल्द एलर्जी को कैच करना, ये सब मोटापे से ही कहीं ना कहीं रिलेट है। अब बात करते हैं कि कुछ पेरेंट्स की जो बात होती है कि क्या मेरा बच्चा मोटा ही रहेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आज आपका बच्चा मोटा है और उसके जो मोटापा है वो खान पान की वजह से आया है, तो आप उसकी डाइट में बदलाव लाकर उसका जो मोटापा है उसको कम कर सकती है। और इस डाइट में मैं आपको सबसे एक खास बात बताऊंगी, जो हमारा इंडियन कल्चर है, आजकल देखा गया है कि मोस्टली जो घरों में जो डिनर होता है वो बहुत ही स्पेशल बनाया जाता है और काफ़ी हैवी होता है। तो एक तो हैवी डिनर, ऊपर से 9-10 बजे तक उसको लेना और लेने के एक घंटे के अंदर अंदर सो जाना, आपकी बॉडी का सत्यानाश हो जाता है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बेचारे की बैंड बच जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। अगर आपको कुछ स्पेशली बनाना है तो ठीक है, हफ्ते में एक आध दिन बना दे और उसको थोड़ा जल्दी बना लें। कोशिश करें कि सोने से 2 से 2.5 घंटे पहले ही बच्चा डिनर कर लें, और 3 घंटे पहले करें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर इस डाइट को अगर आप चेंज कर दें, हल्का फुल्का ही रखें, हमेशा सब हल्का फुल्का ही खाएं, और सोने से 2 घंटे पहले आप आराम से डिनर कर लें, तो आप यकीन मानिए बच्चे के वज़न में अपने आप आपको कमी देखने को मिल जाएगी। इस चीज़ को आप अपने ऊपर भी फॉलो करके देख सकते हैं। अगली बात कि बच्चे को हेल्दी खाना खिलाने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको कभी कोई चीज़ नहीं भाती तो आप क्या करते हैं, हेलो स्विगी, यही करते हैं। तो इस आदत को आप छोड़ दीजिए, अभी के अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि बच्चे का भी हर चीज़ जो आपको नहीं भाती तो उसको भी थोड़ी ना भाती है, फिर वो भी कहेगा चलो स्विगी से कुछ मंगाते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं भा रही है तो कभी कुछ हल्का फुल्का ही खा लीजिए। सब्जी नहीं भा रही है तो दही से रोटी खा सकते हैं, या कुछ सब्जियों की चाट बनाकर खाई जा सकती है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बस हमें ही थोड़ा हाथ चलाना और दिमाग चलाना पड़ता है। तो जब आप हेल्दी खाना शुरू कर देंगे तो बच्चा भी अपना आप हेल्दी खाना खाना शुरू कर देगा। अगली बात कि बच्चे में खेलने की आदत कैसे डालें। जैसे आपने बच्चे के लिए खाने का, पीने का, पढ़ाई का हर टाइम फिक्स करके रखा है, उसी तरीके से बच्चे की जो खेलने की एक्टिविटी है उसको भी फिक्स कर दीजिए। खेलना है मतलब खेलना है, बाहर जाकर खेलना है मतलब खेलना ही है। तो इसको फिक्स कर देंगे तो बच्चे को भी हो सकता है एक दो दिन मन ना करे, बट जब वो हैबिचुअल हो जाएगा तब उसको बाहर जाकर खेलने में बहुत मज़ा आएगा। अगला सवाल कि क्या बच्चों के लिए मोटापा कम करने की कोई दवाई या कोई मेडिकेशन है क्या। तो सबसे पहली बात, अगर आपको किसी ने बताया है, किसी ने सजेस्ट किया, तो आप प्लीज़ उनकी सलाह पर बिल्कुल अमल ना करें, बच्चे को ना ही कभी इस तरह की मेडिसिन दें। ऐसा अपने दिमाग में भी ना लाए कि बच्चे को पतला करने के लिए आप कोई पाउडर या किसी भी तरह का कोई मेडिसिन लाए, बिल्कुल नहीं। बच्चों को पतला करने का एक ही तरीका है, तो उनका डाइट प्लान मॉडिफाई किया जाए और उनकी जो एक डल और डीएक्टिवेट जो लाइफस्टाइल है उसमें एक्टिवनेस लाई जाए। बच्चा एक्टिव होगा, जो खा रहा है उसको टाइम टू टाइम पचाएगा, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा,
तो मोटापा अपने आप ही कम हो जाएगा, इसमें टेंशन लेने की ज़्यादा कोई बात ही नहीं है। और बच्चे अगर हेरिडिटी की वजह से अगर मोटे हैं तो उसके लिए भी मैं कहूँगी आप डॉक्टर या डाइट प्लान का ही सहारा लें। वैसे 99% इन केस में कुछ होता नहीं है, कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि जीन की जो बॉडी जीन्स होते हैं, जो DNA होते हैं, उनकी हम जो स्ट्रक्चर है उनमें हम चेंज नहीं कर सकते। और इन सब के साथ ही एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी कि बच्चे को भी आप खाना खाने के बीच में पानी पीने की आदत बिल्कुल ना डालें। अगर आपके बच्चे भी ये करते हैं तो अभी से उनकी इस आदत को छुड़वा दें, क्योंकि पानी पीने से हमारा जो खाना है वो अंदर पेट में सड़ता है, पचने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप बच्चे को भी धीरे धीरे समझाएं, एकदम आप उसका अगर वो उसकी आदत है खाना खाने के टाइम में पानी पीने की, तो एकदम से आप उसकी आदत को बंद ना करवाएं। 2 घूंट पे लाए, 2 से 1 घूंट, फिर धीरे धीरे बंद कीजिए, ताकि बच्चे का पेट भी खाली पानी से ना भरे और पानी पीने की वजह से पेट फूलता भी ज़्यादा है अगर आप खाना खाने के बीच में पानी पिए तो इन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए आप बच्चे के मोटापे को कंट्रोल में कर सकते, बच्चे को एक हेल्दी लाइफ की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये तो थे टीन एज में बच्चों के मोटापे को लेकर मेरी तरफ से कुछ सजेशन, और अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई टिप्स हो सकता है किसी और के काम आ जाए तो कमेंट सेक्शन में डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगले वीडियो तक के लिए बाय।